तो अभी हम आ गए हैं, ये रिंग रोड चालू हो गया गाइस। और आज जो है ना, हम थोड़ा पश्चिमी क्षेत्र का रिंग रोड का सफ़र करते हैं और आपको अपडेट देते रहेंगे। तो आप अंत तक बने रहिएगा गाइस, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? तो आज का ये मोटो व्लॉग अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले भाई रिंजू को घुमा के ले गया था मैं, तो ऐसी खतरनाक वाली गर्मी थी। ऑलमोस्ट 5:15 बजे निकला था मैं शाम को और 5:45 के आसपास आ गया था। तो मैंने सोचा था पहले कि आज 6 बजे निकलेंगे घूम राइडिंग पे, फिर मैंने थोड़ा उसको डिले करके 6:30 कर दिया। अभी तो मैंने कहा यार धूप भी थोड़ी कम हो गई और मौसम भी ठीक है अभी, नहीं तो यार बीमार होने से अच्छा है कि अपन थोड़ा लेट निकलो। तो अभी मिलते हैं, तो आप बने रहिएगा, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। पता नहीं अभी क्या हुआ, एकदम से मेरा कैमरा है ना ऑटोमेटिक ही, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई, ऑटोमेटिक ही स्विच ऑफ हो गया, पता नहीं क्या है। चलो कोई नहीं, अभी हमें ना थोड़ी गाड़ी आराम से ही चलाएंगे, तो अगर हमारा कैमरा भी स्विच ऑफ होता है तो हमको पता चल जाएगा। उसमें कुछ बीप बीप बजता है 7-8 बार, तो उससे पता चल जाता है। बाकी अभी ये काफ़ी लोग हैं जो क्रॉसिंग करने के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और इस तरफ गुजरात 1GJ01 01, मतलब अहमदाबाद, अहमदाबाद का कोड है। इस तरफ हंस ट्रैवल की बसें हैं। बाकी चलते हैं हम, थोड़ा रिंग रोड का सफ़र करते हैं। एक्चुअली क्या होना, आज है ना सुबह थोड़ा एडिटिंग करने बैठा था, रात को मैं बैठा तो था, पर वो दूसरा वीडियो था मेरा दूसरे चैनल का, तो उसको भी अपलोड करना था, तो रात को अपलोडिंग पे तो मैंने लगा दिया था। फिर मॉर्निंग में मेरे को पूरा उसका डिस्क्रिप्शन टाइटल और सब चेक करना था, तो उसमें भी टाइम लग गया था। फिर बाहर गए थे, और बाकी हमने आज हेयर कट भी कराया। फिर दोपहर हो गई, दोपहर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, अब इतनी धूप में कहाँ जाएंगे। तो ऐसे ही एक्चुअली ना हमको टाइम नहीं मिलता, मंडे टू सैटरडे रहती है जॉब का, और फिर संडे को हमको दूसरे काम सोचते हम कि यार आज ये एक्सप्लोर कर लेंगे, पर कुछ ना कुछ आ ही जाता है, तो उस चक्कर में हम कर ही नहीं पाते। बाकी इस तरफ आप देख सकते दो भाई खड़े थे, और ज़रूर उन्होंने कैमरा देखा और हंसने लग गए। ऐसे आजकल की जनरेशन को पता है कैमरा क्या होता है, काहे के लिए यूज़ होता है। और बाकी इस तरफ आप देख सकते हैं पुलिस वाले खड़े हैं सामने चौराहे पे। इस चौराहे पे पता नहीं गाइस बहुत सारे पुलिस वाले खड़े होते हैं, मैंने एक चीज़ नोटिस तो करी है। इस तरफ अगर उधर जा रहे हो तो उस तरफ खड़े होंगे, और इधर जा रहे होंगे तो इस तरफ खड़े होंगे। एक्चुअली ये चौराहे भी ऐसा है ना, ये थोड़ा इस तरफ मूसाखेड़ी है, और ये काफ़ी ट्रैफिक होता है इधर से। ये देखो यहाँ से है ना, तो लोग कितना उल्टा चल रहे हैं वहाँ पे। अब पता नहीं क्या है, शायद पुलिस वालों ने बोला है या खुद ही अपने मन से चल रहे है। मेरे हिसाब से उनको बोला ही होगा, क्योंकि है ना उस तरफ काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो गया गाइस, तो इस चक्कर में है ना। और ये गाड़ी देखो बहुत पुरानी गाड़ी है, और उस भाई का है ना साइलेंसर फटा है, इसलिए ऐसी आवाज कर रही है। बाकी चलते हैं हम, और मिलते हैं आपसे आगे। अभी मैं सोच रहा था कि जो मुसाफिरी चौराहे के पहले आता ना पेट्रोल पंप, अपने आते में लगेगा अपने को इंडियन ऑयल का, उधर भरा लूँ। तो मेरे को एकदम से याद आया कि इस तरफ भी एक पेट्रोल पंप है, तो अपन इधर ही भरा लेते। एक्चुअली उस पेट्रोल पंप पे भीड़ भी बहुत रहती है गाइस, तो बेटर है कि यहाँ पे इधर भरा लेते हैं। यहाँ पे हमने 2-3 बार भराया है, और अच्छा है पेट्रोल पंप, कोई नॉट बैड। ये कोने पे ही है पुल के पहले, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी में आधे से कम हो गया है, तो भरा के रख लेते हैं, फिर बाद में टाइम ही मिले नहीं मिले पता नहीं। कुछ काम भी रहते हैं ऑफिस के, तो मेरे को बाहर भी जाना पड़ता है यार, तो पेट्रोल तो लगता ही है।
ये देखिए, ये लोगों ने ना गाड़ी ऐसी खड़ी कर देता ना रोड पे। ये देखिए, ये HP का पेट्रोल पंप है। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था कि ये भारत पेट्रोलियम है कि HP का है, ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। तो याद आ गया कि HP का ही है, भारत का आगे है। तो अपन भरा लेते हैं अभी पेट्रोल और फिर मिलते हैं आपसे। ये ट्रैवल वाले बहुत है यार इस रोड पे गाइस। डीजल डीजल स्कूटर वाला डीजल की लाइन में क्यों खड़ा हो गया? इधर टाइम लगेगा शायद, इधर भराते हैं भैया क्या। तो चलो कोई नहीं, अब हम पेट्रोल भराते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। मैंने पहले सोच रहा था कि इधर से चलते, नीचे से पुल पे से रहने देते। एक्चुअली ये आगे से ना लेफ्ट हैंड साइड पे पालदार रोड जाता है, तो फिर मैंने सोचा रहने दो यार, वहाँ पे ना धूल धमासा बहुत है यार, मतलब बहुत भयंकर पॉल्यूशन होता है उधर, वहाँ पे क्या ट्रकें फ्रके और वो सब गाड़ियाँ बहुत चलती है ना। तो मैंने कहा रहने दो यार, अभी गंदीवाड़ा होगा साला। तो इससे अच्छा कि अभी हमें ना पुल पे से ही चलते हैं, पुल पे से का डायरेक्ट निकल जाएंगे और उधर फिर सिग्नल विग्नल और वो सब लोग क्रॉसिंग करते हैं बड़े। इस तरफ कुछ भी को बीच का अलग ही मजा आता है गाइस। ये हम अगर नीचे होते तो ये होता। ये देखो इस तरफ ये है गाइस पालदा रोड, बाकी इस तरफ काफी लोग खड़े हैं सेल्फी सेल्फी लेने के हिसाब से। बीच में भी बैठ गए डिवाइडर के, ऐसे कायदे से बैठना नहीं चाहिए पर ठीक है, कुछ क्या कहे। अभी हम ब्रिज उतर रहे हैं और इस तरफ देखिए, थोड़ा है ना लोकेशन होनी चाहिए स्पॉट। ऐसे क्या है ना, कहीं भी है ना बीच रास्ते में बैठ नहीं जाना चाहिए। क्या होता है ना, गाड़ी आती है कोई आप पे पहिया चढ़ा देगा, थोड़ा कुछ हो जाएगा, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप एक्चुअली जो स्पॉट से टूरिस्ट के लोकेशन पे उधर जाओ ना, यहाँ पे बीच रोड पे खड़े होके बैठ के फोटो खिंचवा रहे हो, थोड़ा मेरे को सही नहीं लगा। बाकी अब हर किसी की सोच है। इस तरफ चलते ही अभी हम और ये रॉयल एनफील्ड वालों भैया मूछ लगा के रखी पीछे, भगा रहे मान नहीं रहे। और बाकी ये देख सकते हमने अभी टैंक करवा लिया है, ताकि अब टेंशन खत्म। चार पांच दिन की तो शायद खत्म हो गई है, क्योंकि ऑफिस टू होम और होम टू ऑफिस ही रहता है हमारा, बाकी समझेंगे। ये ना गाइस, ये ना कौन सी तो भी है ना मारुति की नई गाड़ी निकली फ्रॉन्क्स, ये ना ब्रेजा से छोटी है, मतलब वो है ना अपनी क्या बोलते हैं उस टाइप की है, क्या बोल सकते हैं अपन उसको, नेक्सॉन से भी शायद छोटी बोल सकते हैं, पता नहीं उस रेंज में बनाई है। उनके ना डिज़ाइन बिल्कुल ऐसी ही है जो अभी नई ब्रीजा निकली है ना, बिल्कुल सेम टू सेम, बस उसको थोड़ी कंपैक्ट कर दी इन्होंने और कुछ नहीं। बाकी ठीक है छोटी फैमिली के लिए। और अभी हमारा सिग्नल बंद हो गया है, ऑलमोस्ट आधा मिनट रुकना पड़ेगा हमको, तो मिलते हैं आपसे। यहाँ पे भीड़ लगी है, यहाँ पे एक्चुअली ना जो इस तरफ रहते हैं खंडवा रोड पे लोग, तो जिनके पास मतलब गाड़ी का साधन नहीं है या फिर जिनको रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट या बस स्टेशन जाना रहता है, तो इधर ही खड़े रहते हैं ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ देम, ताकि कुछ ऑटो ऑटो या कुछ मिल जाए, या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये कुछ बुक करते कैब है रैपिडो उस हिसाब से करते हैं। बाकी अभी इधर चलते हैं हम, अब हम आगे पहुंचेंगे चोइत्राम तरफ। चोइत्राम भी ऑलमोस्ट अभी 1.5 किलोमीटर है यहाँ से। इसे ना सही बोलूँ तो हमें ना एक तरीके से थोड़ा सही टाइम पे निकले, कि अभी हमको जाते में तो ट्रैफिक मिला नहीं है, पर आते में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब शाम को लोग भी ना 6:30 से 7 बजे बाद ना निकलना चालू कर देते, थोड़ा सिटी टूर लेते खाना पीना,
फैमिली के साथ वीकेंड रहता है ना गाइस, तो टाइम नहीं मिल पाता ऑफिस वाले आदमी को, तो शाम को ही निकलता है फैमिली के साथ संडे को मोस्ट प्रोबेबली। इंदौरी जायका, पता नहीं रेस्टोरेंट खुला है इधर ये। अभी आपने अगर देखा होगा तो हमने एक बार इधर वीडियो बनाया था गाइस, यहाँ पे एक बार गन्ने वाले भैया है तो उस पर भी हमने बनाया था। देखते हैं अभी वो मिलते हैं क्या, अगर मिलेंगे तो एक गन्ने का रस पी लेंगे उनसे, नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पे भी भारत का पेट्रोल में पेट्रोल पंप तो ऐसा हो रहा, बिल्कुल ही लाइट वाइट चालू नहीं है, एकदम कोने पे और आगे सब ट्रकों खड़ी है, तो थोड़ा दब गया है पेट्रोल पंप। बाकी आगे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे एचपी का पेट्रोल पंप है गाइस, इस तरफ। यहाँ से मैंने भरवाया पर एक हाथ बार ही भरवाया है, यहाँ पे ना ट्रकें ज्यादा आती है। और अभी हम पहुंचने वाले हैं चोइथराम सर्कल पे। अभी है ना एक्चुअली ये कैब देखी ना मैंने, ये पीली प्लेट वाली, तो मेरे को एक चीज याद आई तो मैं आपसे कुछ कहूंगा अभी इसके बारे में। एक्चुअली है ना मेरे को पीछे के सर्कल से यू टर्न लेना था, पर मैं ना थोड़ा आगे आया हूँ। मेरे को है ना जामुन देखने यार, एक भैया बैठे रहते हैं ये सर्कल पे ही, तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं आसपास तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार बोला था इधर ही घूमते रहते हैं वो, तो मैंने कहा देख लो यार एक बार, क्योंकि उनके जामुन है ना बहुत मस्त रहते हैं। और जामुन वाले भैया है ना मोस्ट ऑफ दी या आधे से ज़्यादा आपको इधर ही दिखेंगे इसी सर्कल पे गाइस, बाकी और कोई दूसरे एरिया में मुश्किल से दिखते, एक के दुक्के नहीं दिखते बाकी ज़्यादा। बाकी इधर भी ये तो सही, देखते हैं। एक्चुअली इनके ना जामुन है ना छोटे छोटे रहते हैं, उसमें टेस्ट नहीं रहता, जो बड़े बड़े जामुन रहते हैं ना मस्त मीठे रहते हैं यार, उसमें टेस्ट बहुत होता है। जिनसे पिछली बार लिया थे मैंने उनके बहुत ही शानदार जामुन थे यार, थोड़े से ले लेते अच्छे रहते हैं यार। अभी अभी खा लो, सीजन में है ना, तो फिर बाद में सीधे साल भर बाद ही मिलते हैं, सीजनल फ्रूट है। तो अब यहाँ से हम यू टर्न लेते हैं गाइस, क्योंकि अब इसके आगे तो कोई फ्रूट वाला शायद ही मिले हमें, और अगर मिलेगा भी तो वो बंदा मेरे को नहीं लगता कि इतने दूर आएगा। यहाँ पे भी नई बिल्डिंग बन रही है, इस तरफ देखे तो ढूंढते थोड़ा भैया को इधर उधर, फिर मिलते तो ठीक ही लेंगे, नहीं तो फिर दूसरे से यार कोई मजा नहीं आता है, छोटे छोटे रहते हैं साले सब खट्टे, मजा नहीं आता सालों में। यहाँ पे भाई लोगों की फोटोग्राफी चल रही है, और अभी आ गए ही हम इस तरफ। इस तरफ देखेंगे तो ये सेकेंड हैंड कार वाले भैया, ये पतासे वाले भैया। चलो इधर से चलते अपन, थोड़ा सा ना आगे से चक्कर लगा के आ जाएंगे, देखते हैं कि इधर मिलते हैं क्या। एक मिनट, हाँ इस तरफ भी देख लेते एक बार, नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं है। अंदर इनका तो माल खत्म हो गया लगता है। यहाँ पे ना ज्यादातर सब है ना सब्जी वाले हैं, सब्जी वाले फ्रूट वाले जामुन वाले शायद ही मिलेंगे अंदर को। ये देखो ये सब सब्जी वाले भैया बैठे हैं। इस तरफ तो कॉलोनी है, रेसिडेंशियल एरिया, तो यहाँ पे तो नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, तो दिख तो नहीं रहा कोई भी यार। कोई नहीं आगे चलते हम, फिर देखते हैं। इतना कीचड़ है पूछो मत। बाकी यहाँ पे तो सब सब्जी वाले बैठे हैं, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा हमको। चलो कोई नहीं, हम इस तरफ चलते हैं, आगे से यू टर्न ले लेंगे, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, मिलते हैं तो ठीक, नहीं मिले तो ठीक। एक जामुन वाले भैया बैठे तो है इधर, देखते हैं।
बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो शायद फ्रेंड्स हैं और बातें करते हुए चल रहे हैं गाड़ी पे अपनी अलग अलग। इस तरफ यार देखते हैं आगे तक। मैं तो एक भैया से बात तो करी थी मैंने, 140 रुपए किलो बोल रहा है यार भाई। मैंने कहा यार क्या हो रही है भैया, अपन तो अपने को इतने चाहिए ही नहीं भैया, 1 किलो का लेके करूंगा क्या मैं, खाएगा कौन इतना। बाकी इधर भी ये सब सब्जी वाले बैठे हैं। शाम को है ना कंपेरेटिवली रेट थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि सबका क्या है ना बंद करने का समय हो जाता है, सब घर चले जाते हैं ना। और ये कैसे पेरिशेबल चीज है, और जो इवन जामुन तो ऐसी चीज है कि अगर आपने 2-3 दिन रख ले तो फिर सड़ना चालू हो जाते हो, और वो खतरनाक बदबू मारते हैं, उनको फेंकना ही पड़ता है। और आप घर पर भी कितने जामुन खाओगे गाइस, ये भी आप सोच के देखो, पॉसिबल ही नहीं है। इस तरफ भैया बैठे, एक इनसे बात करते हैं। अब थोड़ा रश होने लग गया है, देखिए अब ट्रैफिक बढ़ गया गाइस, अब आप देख सकते हैं लोग भी अब निकलना चालू हो गए हैं। और आगे की तरफ आप देखेंगे तो राज रतन की बस जा रही है। एक्चुअली इस रोड पे अभी बहुत सारी बसें दिखेगी आपको, क्योंकि कई बसेस का जो डिपार्चर होता है, जो डेपो है वो इधर से निकलती है, फिर घूमते घामते इधर उधर जो जो उनके स्टॉप्स रहते उधर से कस्टमर्स को पिकअप करती है। ये भाई अलग ही है, बीच रास्ते में ही रोक दी, जैसे पप्पा का रोड है। समझदारों की भी कमी नहीं है। और यहाँ पे भी कई जामुन वाले बैठे हैं भाई, आगे भी एक आध तो बैठे होंगे, पर इनसे मैं नहीं लेता, इनके ना जामुन बहुत छोटे छोटे होते हैं यार, और बहुत है ना मज़ा नहीं आता बिल्कुल भी। बाकी अभी चलते ही, ये देखिए आप अभी, अब आपको दिखने लगा होगा धीरे धीरे, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं कैमरे में, पर धूल हो रही है अब धीरे धीरे अभी, इसलिए हमने जो अपना हेलमेट है उसका विंडो डाउन कर दिया है, बंदी कर दिया भैया इसको, कांच को बंदी रखो। अब थोड़े क्या बड़े वाहन भी आने लग गए ना, तो उस चक्कर में भी है, ट्रैवल वालों की बसें बहुत निकलेगी है अभी। और इस तरफ गार्डन बना हुआ है, किसी की शादी है, वर्मा परिवार। ओके चलते हैं अब हम यहाँ से, भाई 60 की स्पीड से चला रहा है, मान नहीं रहा है। ये हमने आते में देखा था इंदौर जायका रेस्टोरेंट। और बाकी इस तरफ तो इन भाई की दुकान है जो 12 महीने चलती है, ये तो 12 महीनों का बिजनेस है, कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस, सीजन कौन सा भी हो, पानी हो, बरसात हो, ठंडे हो, गर्मी हो, जो भी हो, जब खोल दो तब चालू हो जाता है। बाकी अभी हम पहुंचते ही अभी आगे मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। अभी आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगा है, स्वर्गीय कैलाश चंद्र पाटीदार बाबूजी चौराहा का है इसका नाम, नगर निगम के द्वारा बाबूजी चौराहा, ठीक है ये याद नाम रखने की कोशिश करते, नहीं नाम को याद रखने की कोशिश करते, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। एक्चुअली इसको आसाराम बापू चौराहे के थे पहले, अभी इसका नाम अब बाबूजी चौराहा हो गया, कोई नहीं बाबूजी चौराहा। बाकी ऐसे कई लोग जिनको उसी नाम से याद है पहले वाले, तो कोई नहीं। अभी आप देख सकते ही अब अंधेरा भी होने लग गया है, तो हम भी पहुँचते हैं। एक्चुअली में क्या होता है ना, रात को जब हम शूटिंग करते हैं तो अंधेरे में शायद पता नहीं लोगों को इतना मज़ा आता है कि नहीं, फर्क तो पड़ता है कंपेरेटिवली मॉर्निंग और इवनिंग के या नाइट में घूमने के, शूटिंग का फर्क पड़ता है देखने का। बाकी ये चीज़ सब सब हमको अच्छी लगती है गाइस,
इसकी एलईडी लाइट बहुत प्यारी लगती है और ये रात में ही दिखती है अंधेरे में। ऐसे ये चालू रहती है, जैसे गवर्नमेंट को नॉर्म आप जानते हैं कि आपको जो भी है पार्किंग लाइट है या जो भी है हेडलाइट सिग्नल चालू रखना ही पड़ती है 24 घंटे जब भी आप गाड़ी चलाओ। तो बाकी अभी हम आप पुल चढ़ रहे हैं और यहाँ पे पता नहीं क्या है, ये है ना यहाँ की लाइट है ना स्ट्रीट लाइट है, आप देखो आप खुद देख के बताओ कि डीम है कि नहीं। मतलब अगर कोई गाड़ी नहीं हो यहाँ पे और ये स्ट्रीट लाइट हो तो इतना रोशनी नहीं है इसमें, पता नहीं क्या है इसमें, इनकी एलईडी में इतना दम नहीं है। बाकी अभी आ गया हमारा वो एचपी वाला पेट्रोल पंप, जहाँ से अभी हमने पेट्रोल पंप भराया था, पेट्रोल भराया था रिसेंटली। अभी निकलते हैं यहाँ से। ये इतनी इतनी पुरानी गाड़ियां हो गई यार, ये मेरे हिसाब से एची है ना, एची मेरे हिसाब से 2004 या 2005 की गाड़ी है गाइस। और इस गाड़ी को मेरे हिसाब से अभी 2023 चल रहा है ना, एटलीस्ट 18 साल हो गए। 18 साल में भी मेंटेन करके चलाई है ये, देखो ये अलग ही है कपल। एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप फास्ट लेन से स्लो लेन में जाते हो ना, तो आप है ना थोड़ा है ना गाड़ी को इस हिसाब से करते हो। अब आप फास्ट लेन में आ रहे हो और गाड़ी को स्पीड से चला रहे हो, क्या मतलब है? या तो आपको फास्ट लेन से इस लेन में आने के लिए आपको हाथ देना चाहिए, या फिर उससे बेटर है कि इंडिकेटर देना चाहिए यार। बाकी आजकल इंडिकेटर भी देने से कोई सेंस नहीं निकलता, कई लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता, तो हाथ भी देना ही पड़ता। अब हम पहुंचने वाले हैं मूसा खेड़ी चौराया। एक्चुअली आज का ना ब्लॉग का नाम है ना, मैं जो थंबनेल है वो है ना यही रखने वाला हूँ, राइडिंग एट वेस्टर्न रिंग रोड, मतलब इंदौर के पश्चिमी क्षेत्र के रिंग रोड का सफर, ऐसा ही कुछ रखूंगा यार। क्योंकि पश्चिमी, हाँ यार ठीक है, क्योंकि आगे अगर अपन चलेंगे तो पूरा पूर्वी क्षेत्र चालू हो जाता है। और अभी हम आ गए हैं सिग्नल पे, अब सिग्नल पे खड़े रहेंगे चुपचाप से, क्योंकि यहाँ पे पुलिस वाले काफी खड़े रहते हैं। और ऑलमोस्ट अभी मेरे हिसाब से कितने 10-15 सेकंड बचे, 9 सेकंड। चलो कैमरे को चालू ही रखते हैं, अब 5 सेकंड ही बचे तो कोई सेंस नहीं निकलेगा ऑफिस से बंद करना और चालू करना। चलो हमारा सिग्नल चालू हो गया है और हमारा सिग्नल है पूरे 28 सेकंड का। ये देखिए गाइस, आप खुद देखो ये पुलिस वाले खड़े हैं कि नहीं, कितने पुलिस वाले खड़े हैं यहाँ पे इस चौराहे पे। मोस्ट ऑफ द टाइम्स पुलिस वाले खड़े रहते ही है। और यहाँ पे बाकी काफी ठेले वाले और गाड़ी वाले भी हैं। ये देखो थाना प्रभारी ये खड़े ही हैं। चलो कोई नहीं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज अब आज के इस मोटो व्लॉग को अब हम यही पे एंड करते हैं। तो आपको हमारे आज के पश्चिमी क्षेत्र के रिंग रोड का सफर कैसा लगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, और हम कोशिश करेंगे कि और इम्प्रूवमेंट कर सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही है, नेता लोगों की जा रही है शायद। ये देखो इनके चक्कर में कितना जाम लग गया है गाइस। चलो ये अच्छा हुआ कि हमने सही समय पे निकल गए, ये आप खुद देखो जाम कितना जाम लग गया है। चलो कोई नहीं, अब ये तो बढ़ते ही जाएगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे। और आपसे जल्दी मिलेंगे गाइस, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा हमारे आज के वीडियो के बारे में। और आपको हमारे अगर चैनल पे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और जल्दी अभी हमें ना हमारे शॉर्ट्स भी आने वाले हैं, तो ऐसे मैंने डाले तो बहुत दिनों से मैं डाल नहीं पा रहा था, काफ़ी सारे हमें डले हुए भी है, तो आप उसको भी देखिए। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में कल।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, अब कल मिलेंगे, शुभ रात्रि, गुड नाइट। तो अभी हम मुड़ रहे हैं और ये आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे है ना सारे बसेस खड़ी होती है, मतलब महाराष्ट्र रूट वाली जाने वाली, और इवन जो राजस्थान के रूट की गाड़ियाँ जाती है वो भी इधर ही खड़ी रहती है। बहुत सारे गाड़ियाँ यहाँ पे काफ़ी ट्रेवल्स की शाम को मेरे हिसाब से 6 बजे बाद खड़ी होना चालू हो जाती है, 6 से 7, 7:30, 8 बहुत सारी बसें मिलती है। तो अभी हमको भी कहीं जाना रहता है तो हम इधर से ही बैठते हैं। ये देखिए सब्जी वाले भैया, बाकी मिलते हैं आपसे गाइस कल, तो आप बने रहिएगा, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये रहा हमारा जिम गाइस। एक्चुअली है ना एक चीज़ सोचने में आ रही थी यार, जैसे है ना मोस्ट ऑफ दी जिम्स जहाँ मैं पहले जाता था उधर हाफ डे चालू रहता संडे को, मतलब सुबह 8 से 12 बजे तक रहेगा, 4 घंटे का चालू रहेगा, तो वो बेटर लगता है यार गाइस। मतलब अगर ऐसा होता ना तो मैं तो आज जाके आ जाता, क्योंकि तो आज संडे था तो मैंने कहा काम इतना रहता नहीं है, तो ठीक है कोई नहीं। अभी हम घर पहुंच गए हैं और मिलते हैं आपसे कल।